कक्षा सात हिंदी, मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 15 शतरंज में मात के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए ये पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। तो ये पाठ आपका 15 है, शतरंज में मात, इसमें डॉक्टर श्री प्रसाद जी खुद हैं। चलिए देखते हैं इसमें पाठ का परिचय पहले कर लेते हैं हम लोग। तो संसार में सभी तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को सुख संपन्न देखकर प्रसन्न होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की उन्नति देखकर जलकर राख हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने ऐसे ही लोगों के संबंध में लिखा है, क्या कुछ लिखा है वो देखते हैं। तो यह है, देखी ना सकही पराही विभूति, मतलब आप लोगों ने तेनालीराम के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। उसने राज दरबार में उसी प्रकार से अपना स्थान बना लिया था जैसे बीरबल ने, लेकिन बहुत से ईर्ष्यालु लोग उसकी उन्नति से प्रसन्न नहीं थे। वे एक पर एक चाल चलकर उसे राजा की दृष्टि से गिराना चाहते थे, लेकिन तेनालीराम उनकी हर चाल का सटीक उत्तर देता था। उस दरबारियों द्वारा रची गई चाल को तेनालीराम के किसी ने किस बुद्धिमानी से पलट दिया, उसी की जानकारी इस पाठ में दी गई है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें प्रश्न। पहला, भरी सभा में मुंडन, इससे बढ़कर है कोई अपमान? ये सब किसने किससे और क्यों कहते? तो उत्तर है, ये तेनालीराम ने स्वयं से कहा था। प्रश्न है, मुंडन किसका और क्यों हो रहा था? तो उत्तर है, मुंडन तेनालीराम का हो रहा था क्योंकि वह राजा से शतरंज खेल में हार गया था। प्रश्न है, तेनालीराम ने अपनी किस चतुराई से दंड से मुक्ति पाई और 5000 अशस्वियां ले ली? तो उत्तर है, तेनालीराम ने महाराजा से कहा था कि अपने इन केसों पर हमने 5000 अशस्वियां उधार ली है, जब तक वह उधार वापस न कर दूं तब तक इन्हें काटने का मुझको अधिकार नहीं है। राजा ने 5000 अशस्वियां खजाने से तेनालीराम के घर भिजवा दिया। फिर तेनालीराम ने राजा से कहा कि मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद अब आप ही मेरे माता पिता हैं। आपके जीवित रहते मुंडन कराने से कहीं आप स्वर्ग सिधार गए तो? यह सुनते ही राजा ने सोचा कहीं सच में ऐसा हो गया, तो उन्होंने तेनालीराम को दंड को वापस ले लिया। प्रश्न है, दरबारी तेनालीराम से क्यों चिढ़ते थे, कारणों को लिखिए। तो ये उत्तर है, दरबारी तेनालीराम की बुद्धि चतुराई वाक्पटुता और हाजिर जवाबी से चिढ़ते थे क्योंकि उनके इन्हीं गुणों के कारण राजा कृष्णदेव राय उनसे प्रसन्न रहते थे। प्रश्न है, सिर चढ़ना, प्रस्तुत एकांकी में आपका यह मुहावरा पढ़ा, सिर पर लिखे गए ऐसे चार और मुहावरे लिखिए। तो उत्तर है, ये सिर झुकाना, नमस्कार करना या हार मानना। वाक्य है इसका, माता के दरबार में सभी सिर झुकाते हैं। नंबर दो है, उसकी श्रद्धा के सम्मुख मुझे सिर झुकाना नहीं पड़ा। अगला है, सिर धुनना यानी पछताना। वाक्य में प्रयोग है इसका, समय निकल जाने पर सिर धुनने का कोई औचित्य नहीं है। नंबर तीन है, सिर चकराना, सिर घूमना। तो वाक्य प्रयोग इसका, उसकी बकबक को सुन मेरा सिर चकराने लगा। नंबर चार है, सिर उठाना यानी विरोध में खड़ा होना। वाक्य है, उसमें इतनी हिम्मत कहां जो हमारे सामने सिर उठा सके। नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, आप इनसे विशेषण शब्द बनाइए। संज्ञा शब्द शिक्षा, अपमान, दोष, धूम, क्रोध और ज्ञान है। तो ये उत्तर है, यहाँ संज्ञा शब्द ले रहे हैं, फिर विशेषण ले रहे हैं, फिर संज्ञा शब्द और फिर विशेषण। चलिए देखते हैं, शिक्षा है, शिक्षा का विशेषण शिक्षित होगा। दोष है, दोष का विशेषण दोषी होगा। क्रोध का विशेषण क्रोधी होगा। अपमान का विशेषण अपमानित होगा।
ढोंग का विशेषण ढोंगी होगा और ज्ञान का विशेषण ज्ञानी होगा। प्रश्न है विलोमार्थी शब्दों की जोड़ी बनाइए। तो यहां दिया है प्रशंसा, फिर अव्यवस्था दिया हुआ है, और खुश है, पराजय है, उत्तम है, नाखुश है, व्यवस्था है, अधम है, चतुराई है, सज्जन है, दुष्ट है, निंदा है, जय है और मुक्ता है। ये शब्द दिए हुए हैं, लेकिन इसकी जोड़ी हमें सही से बनानी है। तो बना करके देखते हैं जोड़ी में क्या क्या है। ये उत्तर इसका तो शब्द दिया हुआ है और विलोम शब्द दिए हुए यहाँ पे, ऐसे यहाँ पर भी शब्द और विलोम शब्द है। चलो देखते हैं, प्रशंसा का विलोम निंदा होता है, खुश का विलोम नाखुश होता है, उत्तम का विलोम अधम होता है, व्यवस्था का विलोम अव्यवस्था होता है, चतुराई का विलोम मूर्खता होता है, दुष्ट का विलोम सज्जन होता है, और जय का विलोम पराजय होता है। तो पराजय सबको स्वीकार हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा चैनल, और उसमें और क्या बना करके आप लोगों को देना है वो भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। अगर वीडियो शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम कॉपी शेयर कर लेना, जिससे कि जिन बच्चों के पास वीडियो नहीं पहुंचा उनके पास वो लिखने का मौका मिल सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।